माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री जालिज पाहिजे। जालिज पाहिजे। जालिज पाहिजे। दूध मांगो खीर देंगे। कश्मीर मांगो तो खीर देंगे। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये द कश्मीर फाइल्स ये एक फिल्म नहीं, ये रक्त रंजित सच है जो दुनिया के सामने उजागर होना चाहिए। मैं पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार ने ये सच को दबा के रखा भारत की जनता के सामने, और मैं हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में ये सच भी लोगों के सामने आया है। और सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित को जिस व्यक्ति ने मदद की वो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है। उनको सही मायने में आर्टिकल 370 लाकर ये न्याय दिलाने का काम ये हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो हिंदुओं का उत्पीड़न इतने सालों से हो रहा था उसको दबाने का काम, सच्चाई को दबाने का काम ये कांग्रेसी नेताओं ने किया है। आज हमारे साथ में सैकड़ों युवाओं ने मिलकर ये फिल्म देखी। जब मैं उनके साथ बैठा था और मैंने स्वयं जब ये पिक्चर देखी तो मेरे दिल को भी दहला देने वाली और दिल को छूने वाले एक से एक जो सीन्स और जो कैरेक्टर सामने आ रहे थे, तो हम सोच भी नहीं सकते कि जो कश्मीरी पंडित और उनके परिवारों के साथ में कितना अत्याचार और कितने अन्याय उन्हें सहन करना पड़ा है। और ये अन्याय और सहन हमारे दिल से छुआ है और हम सबको इस बात का दुख है कि उस समय हम उनके लिए नहीं खड़े रह पाए। कुछ चंद नेताओं के वजह से उनको अकेले ही ये सब दुख सहन करना पड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि ये फिल्म रिलीज होने का सबसे मुख्य कारण ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सशक्त सरकार है। मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये फिल्म अगर ये कांग्रेस की सत्ता है और किसी दल की जो सत्ता होती तो मुझे लगता है कि ये फिल्म को दबाया जाता और जिस प्रकार हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा उस प्रकार हिंदुओं के उत्पीड़न की जो गाथा है उसको दबाकर उन्हें और उत्पीड़ित किया जाता। और ये सिर्फ मोदी जी के सरकार का दमखम है कि वह 370 हो या 35 हो इस कलम को हटा पाए और कश्मीरी हमारे भाइयों बहनों को न्याय दिला पाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं महाविकास आघाड़ी सरकार को हमारी तरफ से भी थोड़ी टिकट्स भेज दूंगा फ्री में कि वो लोग ये मूवी देखें और वो देखने के बाद अवश्य वो लोग इस मूवी को टैक्स फ्री करेंगे। और आज हम सब युवा यहाँ पे, क्योंकि हम सब युवाओं को बहुत सारे युवा वो समय में पैदा भी नहीं हुए थे, तो आज कश्मीरी पंडितों के साथ में जो अत्याचार हुआ था उस समय में उसको इस मूवी के द्वारा दर्शाया गया है। उनकी उत्पीड़न, उनके साथ में जो अत्याचार हुआ था, मतलब एक दो नहीं 5-5 लाख 10-10 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ के जाना पड़ा था, उनकी पलायन करना पड़ा था। और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की माँ और बहनों के साथ में जो अत्याचार और जो जुल्म हुआ था अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत तकलीफ होगी सबको। धन्यवाद।